हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइस, गुड आफ्टरनून का समय हो रहा है और वेलकम हमारी यूट्यूब चैनल प्रीति राज व्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो कि गांव की स्पेशल गुजिया हैं, वो बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप सभी के साथ ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि गाँव की गुजिया कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे तैयार हो गया था ये मैदा, जो कि आप देख सकते हैं। मैदा वैसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से मुलायम करके गूंदना पड़ता है। और ये मम्मी बेल रही थी चकले पे रख के, और इसको बेलने में थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत लगती है क्योंकि ये मैदा होता है जो कि रोटी की जैसे बढ़ता नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी इसकी लोई काटनी है ताकि बहुत पतला भी ऐसा बेलना है जैसे कि एक तरफ से दूसरी तरफ देख सके। इतना पतला बेलने पर हम इतनी तैयार कर सकें। तो इतनी यहाँ पे तैयार हो गई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे सारे लोग बना रहे थे और बहुत सारे लोग लगे थे, जैसे कि 4 लोग लगे थे। मैदा बन के तैयार था यहाँ पे, तो मैंने आप सभी को पहले इतना इसमें इतनी सारी हर चीज़ इसमें लगती है। देखिए, जो गुजिया बनने का वो होता है, वो भी ये ग्रीन कलर का रखा गया है गुजिया बनने के लिए। तो ये बेली हुई इतनी रखी हुई थी। मैदा भी ऐसे जो बचता है वो कट कट के इसमें पड़ा रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही टफ़ी होता है लास्ट में करने पर। ये देखिए, इतनी सारी लोई और इतना सारा खोया था, खोया गाँव से लाए थे, जो कि इसमें सूजी वगैरह मिला के, मुनिक्का वगैरह जो भी मिलाना होता है वो मिलाते हैं। और इतना टेस्ट आता है इसमें, जैसे कि देखिए इतनी बन चुकी हैं, यानी कि 60-70 से ज़्यादा हमारी गुजिया बन के तैयार होगी। तो मम्मी बना रही थी और दीदी बना रही थी। दीदी बनाते बनाते गई थी थक, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने लगी वहीं पे बैठ के, और मम्मी बनाते जा रहे थे। और इतना यहाँ पे देख सकते हैं कि मम्मी निकाल दीदी निकाल रही थी हमारी, और वीडियो में बना रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ऑयल में डाला इसको फ्राई करने के लिए, और मतलब इसमें ज़्यादा ही डालते हैं ऑयल में, जितना तेल होगा उतने ही अच्छे से फ्राई हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डाल दिया था, और उसके बाद इसको थोड़ा सा चलाना है कलछी से ताकि इसको थोड़ा सा मतलब चिपटे ना, और ऐसे एक दूसरे से मतलब लिपटे ना, तो इसलिए इसको ऐसे चलाते जाएंगे। और उसके बाद ये हमारा देखिए थोड़ा बहुत इसका रंग आता है, और थोड़ा सा कुरकुरे करना है, तो इसको थोड़ा देर तक मतलब सुनहरा करते रहेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बस ये होने वाला है, ये बस 2-3 सेकंड का और काम है इसमें, ये ज़्यादा टाइम का नहीं। जैसा कि ये मेरी वीडियो पूरी 5 मिनट की बनी है, 5 मिनट 45 सेकंड की, तो इतने में ही गुजिया बन के तैयार हो के और सबने खाई भी है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग प्लीज़ अपने घर में ट्राई कीजिएगा।